बेबी को भी कर दो, बेबी को भी किच्चू कर दो, बेबी को बेबी आई लव यू। आ मेरा बच्चा आई लव यू कर दो, कोई नहीं प्यार कर दो, प्यार कर दो, नहीं 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 बेबी गोदी में प्यार कर दो, किच्चू कर दो, गोदी में आ जाओ। आए मेरा बच्चा बच, खड़ा कर दो बेबी को, स्टैंड कर दो बेबी को, बोलो बेबी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी पूरी बना दिया। अच्छा बना दिया, लो आप बनाओ बेबी, बनाओ। उल्टा पकड़ा आपने, हाँ गुड, बनाओ बोले बाबा बनाओ, जय जय कर दो, जय जय कर दो। डांची करो, डांची डांची करो, हाय गाइस, बोलो मैं मखाने का आ रहा हूँ, बोलो हेलो गाइस, से हाय में मेरा नमक जाएगा स्वाद अनुसार जितना आप खाते हैं। इसके बाद मिर्ची मैं थोड़ा सा ही डालूंगी स्वाद के लिए, एंड हल्दी डालूंगी मैं, एंड इसको मैं अच्छी तरह सौते कर लूँगी, एंड अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालूंगी। चीनी इसमें डाल दिया मैंने, एंड अच्छी तरह इसको जो है आप सौते कर लीजिए ताकि सारे मसाले जो है पक जाए। इसके साथ साथ ना ये जो हमारे मूंगफली हैं ये हम डाल देते हैं ना, ये डाल देते हैं, एंड इनको भी अलग से सौते कर लेते हैं, एंड बस ये हो गया। अब इसके ऊपर हम पोहा डालेंगे, एंड थोड़ा नमक चेक कर लेंगे कि नमक ठीक है, बन चुका है। तुलसी लिया ना हमने, तुलसी लिया हमने ये, एंड मम्मी बाहर निकली है, अभी भी पीछे पीछे बाहर निकल गया, एंड ये हमारा भोला गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है एज यूजुअल, एंड अभी दादी के पास है, पीछे 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 भाग गया वो, किया था क्योंकि जो हमारी पुरानी तुलसी है वो सूख गई थी ना, तो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए फिर हमने नई तुलसी ली है। एंड ये खाद है जो हमने कल लिया था,
सो हमारा पोहा जो है बन गया। अभी पोहा 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 ये लो प्लेट, मतलब मर्जी है कोई सी प्लेट में ले लो। चम्मच लाओ, खाना खाओ, पीनट खाओ, चलो ईट ईट करो, ईट ईट इट, स्पून से उठा के खाओ। मैं चाय लेके आ रही हूँ। खाओ अभी, जस्ट इग्नोर हिम, ईट इट, वेरी गुड। दादी कैसे खा रही है, खा के दिखाओ। वेरी गुड, ट्राई ट्राई ट्राई। कितना अच्छी, तो ये तो खाता है बेटा, थोड़ा गिराता है, थोड़ा खाता है। अनियन है वो, दैट इज अनियन। ऐसे बोल रहा था बड़ा चंद वो। हाँ, वेरी गुड 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 गुड। ऐसे ऐसे ये वाला मेरे को दो, ये पापा को दो। ऐसे खाओ, दादी भी खा रही ना। खाओ, ऐसे करते देखो, ऐसे ऐसे ईट इट, चम्मच खा लो। वेरी गुड, 1 2 3 आ आ आ, गुड बॉय। चाय ले लो ना, चाय। मेरी अम्बी जो है सो रही है, सुबह सुबह सोई है वो, देखिए सोई पड़ी हुई है। अभी उसके सामने बात करना ठीक नहीं है वरना वो उड़ जाएगी। वो पोहा, यस, खा लो चलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। आज हमारा 26 तारीख है एंड दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। हम लोग नाश्ता करके बैठे हुए हैं, मम्मी टीवी देख रही है एंड अम्बी जो है वो सो चुकी है अपने पापा के साथ एंड अभी तक सोया नहीं है, वो कूदा कदी कर रहा है, खेले जा रहा है। सो आज बाहर का मौसम एज यूजुअल, अभी ना मार्च का महीना भी ऐसा हो रहा है कि एकदम गर्मी सी हो रही है। जो मतलब बोलते हैं ना, जो जैसे मई जून वाली जो गर्मी है वो अभी दिखने को मिल रही है, मतलब वो बीच का जो मौसम था ना वो गायब भी हो गया। सो घर में हमारा टाइम इसी तरीके से टाइम पास हो रहा है, ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं हमारे पास। तो मेरा काम जो है सुबह 10:30 बजे ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ही हम लोग नाश्ता पानी करते हैं एंड लंच वंच अभी तक बना नहीं है क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बना के हट जाऊँगी क्योंकि 1:30-2 बजे तक हम कर लेंगे लंच। तो अभी मैंने अभी को बेसन का चीला खिलाया था क्योंकि 2-3 दिन से उसका रूटीन भी इसी तरीके से हो रहा है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है। तो अभी इसने बेसन का चीला खाया था एंड जूस पिया था। सो इज़ डन विद हिज ब्रेकफास्ट एंड अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लें 5-10 मिनट आधे घंटे का एंड उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। सो बाकी तो घर पे ऐसे ही रहता है, इट्स गुड, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है ज़्यादा से ज़्यादा एंड यू नो वर्क फ्रॉम होम के काफ़ी फ़ायदे हो गए हैं हमें पिछले 2-2.5 साल से, जैसे हमारी कंपनी का वर्क फ्रॉम होम है तो काफ़ी मतलब फिजिबिलिटी हो गई हमें एंड ऑफिस का थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। मतलब मैंने पहले मैं 2-3 दिन 4-5 दिन मैंने ब्लॉग इस पर नहीं डाला था बिकॉज ऑफिस का कुछ स्ट्रेस वर्क था, मतलब ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन्स थी इस वजह से, बाकी ये सब तो चलता रहता है। हेलो गाइस, अभी जो है भोले बाबा बना रहा है बहुत देर से, यहाँ पे अभी ने बना के दिखाया है एंड अभी ने दादी से भी बनवाया है गणेश जी, है ना अभी, एंड अभी बहुत देर से ड्राइंग कर रहा है एंड अभी मस्ती कर रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो, है ना। चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू,
बाय गाइस, से बाय अभी, बाय, से बाय बाय बाय।